देश के नागरिक के रूप में हमारे पास अपनी एक स्वतंत्र आर्थिक नीतियां हैं। एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हर नागरिक को भारत के संविधान ने उसके नागरिक अधिकार प्रदान किए हैं और हर भारतवासी एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में न केवल अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है बल्कि भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए अपने स्तर पर भी बेहतर योगदान कर सकता है। आज का दिवस हम सबको एक नए संकल्प के साथ जोड़ता है, वह संकल्प जो देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर योद्धाओं ने, वीरांगनाओं ने या देश की आजादी के पूर्व देश के स्वतंत्रता के लिए और आजादी के बाद सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक उपद्रव को समाप्त करने के उस अभियान का हिस्सा बनकर के अपने देश के बारे में और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में जो उनका संकल्प था, वही संकल्प हम सबका संकल्प होना चाहिए। वह संकल्प कि हमारा देश भी दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ेगा, भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। हम अपने उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने को साकार कर सकें, उन संकल्पों के साथ अपने आप को जोड़ सकें, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए गत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को उस संकल्पों के साथ जोड़ा था। वे संकल्प हर भारतवासी के जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। ये पंच प्रण है, ये भारत का संकल्प है। भारत के संकल्प के साथ जुड़ते हुए कि हम सब एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करते हुए इससे मुक्त होंगे, अपने एकता और एकीकरण पर विश्वास करते हुए कार्य करेंगे, सामाजिक एकता के बल को ध्यान देते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे। हर नागरिक का अपना कर्तव्य होगा, जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना ही उसका नागरिक कर्तव्य है। अक्सर होता है हम में से हर व्यक्ति देश की स्वाधीनता का मतलब यह मानता है कि मुझे विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ अगर हमें कर्तव्यों का बोध भी हो तो स्वाभाविक रूप से अधिकार और कर्तव्य का यह समन्वय भारत की समृद्धि के लिए, भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए, हम सबको आगे बढ़ने के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे पाएगा। और इसी पंच प्रण के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव के मुख्य
समारोह को संबोधित करते हुए देशवासियों को इस संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। आज जब अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सब प्रवेश किए हैं, स्वाभाविक रूप से हमारा ये दायित्व बनता है कि हम देश को, अपने देश को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के इस संकल्प के साथ जुड़े और उसमें चाहे वह विरासत का सम्मान हो, विकसित भारत के निर्माण का हो, नागरिक कर्तव्यों से हो, गुलामी के अंशों से मुक्ति का हो, या एकता और एकीकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इन सब को अगर हम अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो अवश्य जब 2047 में यह देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा और महोत्सव हम सबको उस आयोजन के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, उस महोत्सव के अवसर पर हम भी कह सकते हैं कि देश की आजादी के उत्सव को 1947 में तो नहीं देखा, लेकिन यह देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था उस महोत्सव के साथ हम भी जुड़े थे। और इसीलिए आगामी 25 वर्ष की इस कार्य योजना को अमृत काल के रूप में आगे बढ़ाते हुए अनेक आयोजन आज आगे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सब कार्य कर सकेंगे तो यह अपनी मातृभूमि के लिए और अपने सनातन राष्ट्र के लिए हम सब की कृतज्ञता होगी, देश के उन महान अमर सपूतों के प्रति हमारी कृतज्ञता होगी जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए या देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। मैं एक बार फिर से 77वें स्वाधीनता दिवस के इस महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आजादी के अमृत काल के महोत्सव के साथ जुड़ करके पंच प्रण को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए हम सब प्राणपण से जुड़ करके कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के इस प्रथम वर्ष में अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।